रुने जी तो 10 बार तो आप सब ले गए होने जा समस्या समस्या बे अच्छा की समस्या हेलो गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह, एक ऐसे गांव में जहां पर कोई नहीं रहता। वो उस गांव में अभी कोई नहीं रहता। तो गांव जो है मेरे गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है। तो वहां जाने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट इज गाड़ी। तो गाड़ियाँ वहाँ जाने के लिए 1-2 गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है, इवनिंग टाइम में चलती हैं। तो फर्स्ट तो हमारा होता है यहीं पर कैंसिल। और सेकेंड इज बाइक। तो बाइक मेरे पास नहीं है, तो इसलिए सेकेंड इज कैंसिल। और थर्ड इज वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो थर्ड क्या है? तो थर्ड है पैदल। तो मैं जा रहा हूँ उस पैलेस पैदल, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हो तो पैदल इज बेस्ट, बिकॉज आप रास्ते में बताते हो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं करके। वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। तो चलो चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। अगर आप भी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जिस अबैंडन विलेज में मैं जा रहा हूँ, अगर आप भी उस जगह को विजिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। तो फर्स्ट आप पैदल भी जा सकते हैं, उसके लिए खेत से जाना पड़ेगा आपको, लेकिन वहाँ पर सांप आप इसका खतरा रहता है। और जो सेकेंड है कि आप गाड़ी के थ्रू जा सकते हैं। और अगर आप गाड़ी के थ्रू जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बनकोट वाली रोड, जिसमें कि मैं हूँ, ये है पनकोट वाली रोड, इसमें जाना पड़ेगा। और फिर आपको आगे ग्वारी गांव मिलेगा, तो वहाँ से जस्ट ऊपर को पोखरी वाली रोड कटते हैं, तो उसी रोड में जाने पर आपको जो फर्स्ट गांव मिलेगा, तो वही है नागर, जहाँ पर अभी कोई नहीं रहता। तो उसी विलेज के बारे में आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर अभी क्या क्या है, कि मकान कैसे हो गए, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। और अगर वो जगह फ़ोटो शूट के लायक होगी, वैसे तो आपको पता ही होगा विलेज में अगर जो अबैंडन पैलेस में चेंज हो गए, तो वहाँ पर जो फ़ोटो शूट होता है, वहाँ पर जो फ़ोटो निकल के आती है बहुत ही अच्छी आती है। दो चीज़ें मैं सारे आपको आगे दिखाऊँगा। तो चलो चलते हैं अपने टारगेट की ओर, अपने मंजिल की ओर, और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो ये जो रोड जा रही है, ये जा रही है पनकोट को, और ये जो जा रही है ऊपर को, ये है पोखरी वाली रोड। तो हमको यही रोड पकड़ना है, और इसी रोड में चलते चलते 2-3 किलोमीटर के बाद आपको नागर गांव मिल जाएगा। एक्चुअली मेरा पैदल आने का मेन रीज़न ये है कि आप पीछे देख सकते हो व्यू, जो पैदल आने में जो आपको व्यू मिलता है ना, गाड़ी में तो आप एकदम से आए एकदम से गए, उतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पैदल ही जाऊंगा। अभी मेरे साथ के मिले थे, वो भी कह रहे थे कि आ जा करके, लेकिन तब भी मैंने कहा कि मैं पैदल ही आऊँगा, बिकॉज आपको पता है पैदल का जो मज़ा पैदल का है वो गाड़ी में नहीं है। और जो चीज़ें आपको पैदल से दिखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे ये पूरा जंगल है, पीछे देखो एक गाँव है काकड़ा मदनपुर, तो सीन कुछ ऐसे हैं। तो चलो चलते हैं अपनी वही डेस्टिनेशन की ओर।
थकान तो होती है लेकिन थकान के साथ मज़ा भी आता है पहाड़ों में। वैसे अगर आपको थकान होती है तो हर एक मिनट के बाद आपको एक अगली अच्छी सीनरी दिखने को मिलती है, तो इससे आपकी जो पूरी थकान होती है ख़त्म हो जाती है। अभी मैं लगभग 1.5-2 किलोमीटर आ गया, 1 किलोमीटर और जाना है मेरे को ऊपर, तो चलो चलते हैं साथ में और देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। वैसे मैंने सुना है जिस गांव में मैं जा रहा हूँ उसमें सिर्फ एक फैमिली रहती है, वो भी उन्होंने अपना अलग से ऊपर मकान बना लिया, बीच गांव में नहीं रहते, वो ऊपर रहते हैं। तो अगर वो कुछ कहना चाहेंगे गांव के बारे में तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यूँ देखो यार पीछे का, अभी धूप की वजह से उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ वो देखो, वो नीचे से आया था मैं, तो वहाँ पर नीचे से आया हूँ और अभी पहुँच गया ऊपर टॉप में। क्योंकि सो गाइज अभी मैं पहुँचा हूँ ग्वाड़ी गांव के जस्ट ऊपर, तो आपको दिखाता हूँ कि ग्वाड़ी गांव कैसा दिखता है। ये गांव हमारे एरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट विलेज होगा, यहाँ पे बहुत सारी फैमिली रहती हैं। तो गांव दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस जगह में जियो का टावर भी लगा है जो कि आने वाले टाइम के लिए अच्छा है। तो चलो देखो आप ग्वाड़ी गांव, तो यही है जो सामने आपको दिख रहा है ग्वाड़ी का गांव। अभी तो पूरा गांव नहीं दिख रहा है और इस एरिया में आपको दिख रहे होंगे हरे भरे पेड़ ज़्यादा हैं, तो इसलिए पूरा गांव कवर नहीं हो पा रहा है। और नीचे यहाँ पे शायद ये नीचे मंदिर है और नवरात्रि का टाइम है तो भजन भजन गा रहे हैं लोग। और ये सामने आपको जो ये टावर दिख रहा है, जियो का टावर है, अभी काम चल रहा है इस पर, तो अभी टावर और नेटवर्क वेटवर्क कुछ नहीं आ रहे हैं। और ये जस्ट उसी के सामने जिसमें आगे आपको नागर का विलेज मिलेगा। तो चलो 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 चलो। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं उस गांव में जहां पर अभी कोई नहीं रहता, जस्ट एक फैमिली रहती है। आप यहां पे जो घर देख रहे हैं यहां पे सिर्फ एक फैमिली रहती है और जो नीचे है पूरा वो अबैंडन पैलेस में बदल गया है। तो इस गांव में आपको वैसे खेत भी नज़दीक है, यहां पर पानी की कमी भी नहीं है, लेकिन पता नहीं रीज़न क्या है कि यहां पे सारे लोगों ने प्लान कर लिया। तो चलो गांव में देखते हैं कि मेन रीज़न क्या था प्लान करने का। तो ये जो नीचे को देख रहे होंगे आप, ये रास्ता नीचे को जाता है और ये रोड जाती है पृथ्वी को। तो चलो चलते हैं अपने उस विलेज के बारे में, दिखाते हैं कि यहाँ पे मेन रीज़न क्या था अबैंडन होने का, कि ये पूरा जो एरिया है अबैंडन पैलेस में बदल गया। जो एक फैमिली रहती है उनके पास एक कुत्ता है, तो गांव में इंटर करने में डर लगती है कि कहीं कुत्ता काट लेते। तो चलो चलते हैं, देखते हैं, उनसे बात करते हैं पहले कि कुत्ता उत्ता तो नहीं है, खुला तो नहीं है घर के, डर तो बहुत लगती है मेरे को कुत्ते से, क्योंकि पता नहीं कब काट दें आपको। जो ये आपको पीछे घर दिख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक फैमिली रहती है और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि नीचे एक दो मकान है जिसमें से एक मकान जो है टूट गया है, एक मकान शायद ठीक है। तो अब मैं नीचे देख रहा हूँ कि कहीं पर मकान मिल जाए। तो चलो पूरा जो रास्ता है अभी तो शायद ये इनका जो नीचे खेत में जाने का रास्ता भी यही होगा, तो तभी ये रास्ता थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है, वरना ये जगह पूरा जो है अबैंडन पैलेस में बदल गया है। तो रास्ता तो शायद यही होगा, गधेरा है, आगे देख सकते हैं अभी पूरा रास्ता। तो एक्चुअली मेन रीज़न तो मेरे को भी पता नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं रोड भी इतनी नज़दीक है और यहाँ पर इस गांव में पानी की कमी भी नहीं है और खेत भी बहुत नज़दीक हैं, और खेत भी इतने बड़े खेत हैं कि शायद इस इलाके में सबसे बड़े खेत यही होंगे। लेकिन मेरे को रीज़न जानना था, तो अभी जानना था नहीं, जानना है। तो अभी पढ़ाते समय अगर वो कुछ बताते हैं तो उनसे पूछूंगा कि
कि जो आपके गांव के लोग थे उन्होंने पलायन क्यों किया, या तो वो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने अपना ज़मीन हल्द्वानी सेट खरीद कर वहाँ पे ले लिया होगा और इस जगह को छोड़ दिया। तो रीज़न कोई भी हो तो अब ये जगह तो पूरी अबेंडन विलेज में चेंज हो गई है। तो अभी तो मेरे को एक भी टूटा हुआ मकान नहीं मिला, चलो देखते हैं कहीं मिल जाए। ऊपर इस साइड आपको दिख रहा होगा हल्का सा, तो ये भी शायद पहले एक मकान होगा, ये भी टूट चुका है पूरा, एक दो दीवार बचे हैं। तो मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहीं हमको पूरा सा पूरा मकान मिल जाए। तो ये है गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको अभी रुपये में सामने ये पूरी झाड़ी में चेंज होगी मकान। ये पीछे आपको दीवार दिख रही है, ये इंटर कैसे होगा, डोर होगा शायद। तो अब इतनी झाड़ियाँ हैं कि दिखाना इम्पॉसिबल है यहाँ पे, और रास्ता तो मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कि आगे सांप वाँप इसका पता भी रह सकता। ओहो ये देखो गाइस पूरा अबैंडन पैलेस में, यहाँ पे आई थिंक सेफ्टी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर आप आओगे तो ग्रुप में आना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। ये शायद सीढ़ी होगी जाने के लिए अंदर, ये पूरा एक लंबी पाखड़ी टाइप की है वहाँ से, लेकिन यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ हो रखी हैं कि इस मकान को दिखाना इम्पॉसिबल है। और ये लेकिन जाना तो मैं अंदर चाहता हूँ बट सेफ्टी पर्पस यहाँ पे मेरे को डर जैसी लग रही है, अकेले में हूँ तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता, इसके लिए सॉरी। तो यही है, और आगे मेरे को लग रहा है यहाँ पे लोगों ने झाड़ियाँ भी वो काटी हैं घास खास। बहुत डर लग रहा है इससे तो मैं, जो मैंने वो आपको बाखरी दिखाई थी उस साइड से, ये पूरी एक लंबी बाखरी है यहाँ से वहाँ तक, और वहाँ सामने एक और मकान है वो भी दिखाता हूँ आपको। इस एरिया में मैंने देखा कि जो खेत हैं, खेत तो बहुत बड़े हैं लेकिन ये खेत सारे बंजर हो चुके हैं क्योंकि आदमी कोई नहीं रहता है तो कौन कमाएगा, सिर्फ घास होती है। तो जो अगल बगल गांव के हैं शायद वही लोग यहाँ से घास घास काटते होंगे, तो तभी ये बंजर खेत में, नहीं तो आपको घास ही घास दिखती, तभी ये थोड़े बंजर खेत सही ठीक ठाक दिख रहे हैं। और इसी बंजर खेत के पीछे एक और बंजर मकान है जिसमें कि आप देख सकते हैं पूरा झाड़ियों से पूरा कवर हो चुका है, तो इसमें भी दिखाने लायक कुछ है नहीं। तो फर्स्ट वो था एक पूरा बाखरी टाइप का था, उसमें शायद दो तीन फैमिली रहती होंगी पहले आई गेस, जिस हिसाब से मैं उस बाखरी को देख रहा हूँ। और जो ये दिख रहा है आपको पीछे, ये तो शायद एक ही फैमिली रहती होगी यहाँ पर। तो तीन चार मकान, तो तीन चार फैमिली ने तो यहाँ पे पलायन कर लिया, अब देखते हैं कि कहीं और इस साइड। उन्होंने बताया था कि एक मकान पूरा अभी भी अच्छा है, तो वहीं चलते हैं। इस एरिया में मैंने देखा कि आम के बहुत सारे पेड़ हैं, आप ये पीछे भी आम का पेड़ है, ऊपर भी साइड सारे आम के पेड़ हैं, तो ये इलाका शायद गर्म इलाका है। गाइज मैं इस पैलेस पे, इस विलेज पे इसलिए आया था बिकॉज मेरे को यहाँ पे फोटो शूट करना था, कि मैं सोच रहा था कि अगली बार आऊँ तो यहाँ पे फ़ोटो शूट करूँ और इसको एक्सप्लोर करूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फ़ोटो खिंचाने लायक है या नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो पुराने मकान हैं इतने पुराने हो चुके हैं कि वहाँ पे जाना मतलब इम्पॉसिबल है। तो अब देखते हैं कि और एक दो मकान हैं, अगर वो मकान अच्छे होंगे तो शायद हम अगले दिन आके यहाँ पे फ़ोटो शूट करें। तो लेकिन मेरे को अभी तक तो नहीं लगता कि यहाँ पे फ़ोटो शूट पॉसिबल हो पाएगा जिस हिसाब से ये मकान है, क्योंकि इन मकानों में जाना मतलब इम्पॉसिबल है, इतनी झाड़ियाँ हो चुकी हैं और डर भी लग रहा है कहीं सांप हो कहीं पर, ऐसी जगह पे बाघ आग इसका खतरा भी रहता है। तो अभी ये जिस एरिया में मैं हूँ यहाँ पे इतने बड़े बड़े खेत हैं, यहाँ पे आप अगर एक देखो तो मान के चलो एक स्टेडियम जैसा खेत है यहाँ पे पूरा। लेकिन इतनी सुविधाएँ होने के बाद भी गाँव में आप देख सकते हो कि पूरा गाँव जो है अबैंडन, पूरा गांव उजड़ चुका है एक हिसाब से, पूरा गांव बंजर हो चुका है।
इतनी सुविधाएं होने के बाद भी तो उत्तराखंड के गांव की यही हालत है। तो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ नमकीन, बिकॉज इस जगह पहुँचने के लिए मेरे को 3-4 किलोमीटर पैदल आना था, तो इसलिए मैंने अपने साथ नमकीन और पानी कैरी कर लिया था। तो नमकीन नमकीन खाते फिर एक दो जो मकान बचे हैं उस मकान में जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन है आगे का। तो गाइज एक मकान है जो अभी पूरा टूट चुका है, सिर्फ एक साइड की दीवार बची है इसकी, और दूसरा मकान है ये। ये मकान तो अभी ओके कंडीशन में है, उतनी बेकार हालत भी नहीं है इसकी अभी। तो इस मकान में देखते हैं कुछ देखने को मिलेगा। तो देखो पूरा यहाँ पर ताले लगे पड़े हैं इसमें मकान में, और नीचे कोट है, तो कोट में क्या देखने को क्या मिलता है देखते। तो यहाँ तो पूरा अंधेरा हुआ है, तो ऐसी हालत हो गई है इस विलेज की। फैमिली भी शायद उतने नहीं रहते थे इस विलेज में, जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ। एक मकान है, ये तो पूरा पाखरी टाइप का है, यहाँ भी 2-3 मतलब टोटल 6-7 फैमिलियाँ रहती होंगी यहाँ पे, जो अभी पूरा प्लान हो चुकी हैं। सिर्फ एक फैमिली रहती है जो ये इस साइड दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली रहती है। तो अंदर तो हम जा नहीं सकते बिकॉज ताले लगे पड़े हैं। तो अब ऊपर चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या रीज़न है अबैंडन होने का यहाँ। तो अभी मैं जो यहाँ एकमात्र फैमिली रहती है उनके घर में जा रहा हूँ, तो उनसे पूछता हूँ कि एक्चुअल रीज़न क्या है कि यहाँ से इतना पलायन हो गया। भैया नमस्ते, मैं से बना रहे उसको? मेरा द माउंटेन बॉय करके चैनल है ना, अभी जस्ट ओपन किया है। नमस्कार। तो ये बताओ यह गांव नाम की छो? इजा नागर से। नागर छो, तो यह गांव में पहले की तो फैमिली रोही की तो परिवार रोही? रोने की तो 10 बार तो आप सब ले गयो ने जा समस्या समस्या बे। अच्छा, की समस्या है यह गांव में? पानी नी थी, लाइट नी बे, रोड नी बे, अच्छा न जा रही। अच्छा, तो इन हबे ले गयो। अच्छा, अब तो यह सब बंजर है गया आपको? यो सब बंजर गई जा को मु आ। अच्छा, तो तिमिन का आप क्या दिक्कत तो ना दियो आज के दिक्कत ना बे दियो? अच्छा, पॉन्ड आप पॉन्ड टू या पॉन्ड? पॉन्ड डेडी नो नहीं जा मार, तो कोई समस्या ही हो मन का। अच्छा, यो खटाली का आड़ भी। अच्छा, ठीक ठीक, जब लगूं नहीं गया तब आयो सचलो पॉन्ड हुई हो। अच्छा, तो तुम यो गांव में यो देखना यो कलर वहां पूरा जंगल में यो कलर नहीं भी है तो डर नहीं लागन बाघ आ यो टाइप का लागे क्या ना लागन के करनु पे रोने यदि भी है। हां, वो तो भी है डर पे जा। अच्छा, ठीक ठीक, तो और की दिक्कत होती मन का गांव में? और की दिक्कत हो? हर दिक्कत होनी भी है कि यूकलर होनी भी है, वो तो मन लग नहीं भी तब कोई दिक्कत है पर। अच्छा, तो जो प्लान कर ले रहा उन्हें तुम क्या कौन सा होना है के नुको नो जा के उन ना तरह का जान वजह दे कि कौन ना मन है उनार फैमिली भी हो ये एंजॉय करना है। मुझे तो आम का लग रहा है कि गांव में रोड आ गई और मार्केट है, हमारे जो गड़ा मार्केट में नजदीक आ गया, रोड में गाड़ चलती है, रोड में पोखर वाल मेन रोड है, तो अब तो कोई दिक्कत ना है। अब जो ये गाड़ हिले ये को कमरों नहीं हो नकमुनी जाता गाबा कानन गुड़ी तो। अच्छा, मुनि हम कमा रखनु तो मिली बंजर छोड़िया। अच्छा, क्या तलगड़ मलगड़ बंजरे भी हम कैसे कमुनु? अच्छा, तो तुम भी कुछ कहना चाहो, कितने में पढ़ते हो? बता कितने में पढ़ते? अरे नाम क्या है आपका? अच्छा, नाम क्या है? पूर्वी। और इसका नाम? हीरो। हीरो। अच्छा, तो इसी स्कूल में पढ़ते होंगे ना ये? वही का। अच्छा, ठीक है। तो गाइस इन्होंने बताया, वैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वैसे अभी तो इस टाइम यहाँ पे ऐसी कोई उस असुविधा नहीं है, अभी सब कुछ है, पानी भी आता ही है लगभग और रोड भी है। तभी मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे पहले नहीं थी, जिस टाइम इन्होंने ये प्लान कर दिया था उस टाइम यहाँ पे ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो इस कारण यहाँ से शायद वो हो गया, पूरा जो गांव था पूरा बंजर हो गया। बंजर हो तो यही है एकमात्र घर जिसमें एक ही फैमिली रहती है।
तो इनके देवरानी जेठानी सब लोग सब बाहरी हैं वो। अच्छा सब और बाहर हैं। गंगोली आते हैं फिर वो सब। अच्छा तो वो आते हैं नहीं आते इधर? कभी कभी आते। अच्छा ठीक। तो इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं आप मुर्गी उर्गी भी पाल रखे हैं। और क्या क्या पाले आपने? बकरी है, मुर्गियाँ है, अच्छा और बैल है। अच्छा कुत्ता है ये, टाइगर। क्या नाम है इसका? टाइगर। टाइगर टाइगर। अच्छा ठीक। तो ये अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने जो बताया मतलब गांव के बारे में। यहाँ पर तो पपीते भी होते हैं ना? अच्छा पपीता और क्या आम। अच्छा तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन पहले जिस टाइम ये गांव पूरा अबैंडन में चेंज हो गया था उस टाइम यहाँ पे पूरी सुविधाएँ नहीं थी, तो इस वजह से शायद यहाँ के लोगों ने प्लान कर दिया सुविधा न होने के कारण। तो चलो देखते हैं अभी, आई कांट एक्सप्लेन इनकी लाइफ कैसे पूरा दिन गुजारते होंगे। वैसे तो काम तो होते रहता है, पहाड़ों में तो काम 24 घंटे काम रहता है, लेकिन बोलने के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने दुख बगल वालों को बता दो। अकेली फैमिली किसको बताएगी? ये गांव इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी पूरा बंजर में चेंज हो गया। तो ऐसे ऐसे गांव है जो जहाँ पर अभी रोड भी नहीं गई है, जहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, अभी डेवलप के नाम पे जीरो है। तो सरकार से मेरी ये विनती है कि अगर आप कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो सुविधाएँ इन्होंने बताया कि पहले यह सुविधा थी, तो इस पर काम होनी चाहिए। जैसे स्कूल हो गया, और मेन रीज़न आजकल स्कूल, रोड और पानी और बिजली, इन्हीं के कारण से कोई भी गांव जो है अबैंडन विलेज में चेंज हो जाता है। अगर वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो पूरा गांव अबैंडन में चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको प्लान रोकना है तो इन चीज़ों पे काम करना होगा, नहीं तो फ्यूचर में उत्तराखंड के जितने भी गांव हैं जहां पे अभी ये सुविधाएँ नहीं हैं, वो सारे गाँव अबैंडन विलेज में चेंज हो जाएंगे। तो चलो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।